तो देखिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज से बना है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हमारा गुड़ है, जिसे देख सकते हैं कि हमने दो तरीके से गुड़ लिए हैं, एक यूपी का एक गुजरात का, देख सकते हैं दोनों अलग अलग है। तो हमारे पास ये था, हमने लिया है, आप चाहे तो एक ही लीजिएगा। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं। अब थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि ये मिल्क हो जाए। बस इसे पिघलने के लिए हमने वो पानी डाला हुआ था, अच्छे से पिघल जाए। तो जिसे देख सकते हैं कि हमारा गुड़ ये पिघल गया है, ये अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया है। ये कैंडी बहुत ही अच्छा होता है, प्लस खट्टा मीठा होता है, क्योंकि ये इमली और गुड़ रहता है। इसे हमें एक तार दो तार चाशनी नहीं बनाना है, बस हमें इसे पिघलाना है, पिघला के इसे थोड़ा सुखाना है। अब हम डालेंगे इसमें इमली, जैसे देख सकते हैं इसमें हमने बीज निकाल दिया है, और जो इसमें डंडा होता है लकड़ी, वो सब हमने इसमें से निकाल दिया है। देख सकते हैं बीज निकाला हुआ इमली है। अब इसे हम डाल देते हैं। खूब अच्छे से चला दी ताकि ये इमली इसी में पक जाए, और ये आप चलाते रहिएगा, और नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, क्योंकि गुड़ लिक्विड हो चुका है। तो आप इमली डालेंगे तो इसे कंटिन्यू चलाते, इसे छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं अगर ये लग जाएगा तो इसका स्वाद चेंज हो जाएगा, देख सकती हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, तो थोड़ा सा ये तीखापन में आ जाए, हल्का तीखा। ये हमारा हो चुका है, अब इसे हम बंद कर देते हैं, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। हाथ पे थोड़ा घी लगाते हैं, घी थोड़ा पिघला के तब लगाइएगा, देख सकते हैं, ताकि चिपके नहीं। देखिए ऐसे लीजिए, यकीन मानिए एकदम टॉफी की तरह इसका स्वाद आएगा, खट्टा मीठा वाला, जैसे देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा सूख गया है तो आप इसे गर्म कर सकते हैं, बट मेरा अच्छा है इसलिए हम बना रहे हैं इसे, देख सकते हैं बहुत आराम से बन जाता है, और इसका स्वाद आप जब बना के देखेंगी तो बिल्कुल एकदम टॉफी की तरह आएगा, खट्टा मीठा। हम गोले में बना रहे हैं, आप चाहे तो ऐसे चिपटा भी कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो जैसे देखिए ये हमने बनाया, देख सकती हैं, और आप जितना इसको गोल गोल घुमाएंगी उतना ही चिकना होता चला जाएगा, जैसे देख सकती हैं। आपको पता चला है कि गुड़ का ये इमली का है नहीं, देखिए इस तरीके से आप बनाइए, और उसके बाद आप इसमें एक स्टिक लगा दीजिए टूथपिक, देख सकती हैं, इससे बड़ा रहे तब भी चलेगा। इसके बाद इसमें इसको डाल दीजिए, देखिए आराम से है ना, इसी तरीके से सारे में आप छोटा बड़ा आप अपने साइज से बनाइएगा, बड़ा छोटा जिस तरीके से आपको बनाना हो। तो देखिए फाइनली ये हमारा तैयार हो गया है, और एकदम बिल्कुल चॉकलेट की तरह रहेगा, खट्टा मीठा। और जब भी आप इसे बनाइए, अगर गर्म है तो थोड़ी दूरी दूरी पे रखिएगा, जब ये कड़ा हो जाएगा तो देखिए एकदम कड़ा हो जाएगा, और ये फैलेगा भी नहीं। और आपको पता है कि ये चीज ये किस चीज से बना है, बच्चों को नहीं पता है, तो अगर आप उन्हें बना के देंगी तो एक बार ये बच्चे खाएंगे तो फिर से आपसे मांगेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।